ठीक है, तो पेनिंगटन कॉटेज से आगे हैं। तो अभी हमने डिसाइड किया है कि अब हम चलते हैं माल रोड मसूरी, तो माल रोड मसूरी का भी ब्लॉग आप देख लीजिए। ठीक है, तो आधा एक घंटा एक्स्ट्रा माल रोड मसूरी पर लगा देंगे। तो जो 5 बजे बस पकड़नी थी वो तुम 6 बजे पकड़ सकती हो, 6 बजे की बस देख लो कोई। तो हम पहुंच गए हैं कुरली मार्केट, यहाँ से माल रोड कनेक्ट हो जाएगी। देखो कितना प्यारा मार्केट है, इसको भी मैं अनकट दिखाता हूँ, ये बहुत रेयर वीडियो है भाई, कौन दिखाता है इतना अनकट। देख लो मार्केट, फील कर लो, आप घर पर बैठ के ही मसूरी घूम लो। ओवरकास्ट हो रखा है पूरा, रेंट पे स्कूटी लेके लड़के भगे आ रहे हैं, ये भी नहीं देख रहे किधर चलना है, चलने का कोई सेंस ही नहीं है। और स्वाद साउथ इंडियन सबसे बेस्ट ये आ गया भैया का, कभी यहाँ पे आओ तो स्वाद साउथ इंडियन में खाना। अभी एक शटर झुकाया हुआ है, अभी काम कर रहे हैं लग, तो काश कोई कार ना आए, वरना कार ना यहाँ पे फंस जाती है। ठीक है, बच गए हैं, यही थोड़ा सा बोटल नेक था, बच गए हैं। यहाँ से राइट को तो जा नहीं सकते, लेफ्ट को जाना पड़ेगा क्योंकि वन वे है। ठीक है, आगे मसूरी माल रोड के पास पार्क कर दिए पार्किंग में, और यहाँ से ये व्यू आ रहा है, दिखा देता हूँ। अभी हम जाएंगे उस तरफ, माल रोड उधर है, पूरा ऐसे घूमेंगे और यहाँ से ये व्यू, क्लॉक टावर देखो कितना प्यारा लग रहा है। और ये राइट में लेफ्ट में पूरा ये भी एक कॉटेज है, ये देखो खंडर कितना प्यारा लग रहा है। मसूरी माल रोड पिक्चर पैलेस कुरली चौक, यहाँ से स्टार्ट हो रही है माल रोड। होटल सेवोई में भी मिलता है भाई, देखो पहाड़ी खाना जो हमने आज खाया हिलेस पे, इस तरह का वहाँ भी मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से स्टार्ट है मार्केट। आज कितनी तारीख है? तो दोस्तों 13 जनवरी 2023 और शाम के बज रहे हैं 4। आप मसूरी माल रोड का माहौल देख लीजिए क्या है फिलहाल। पूरी माल रोड पे जो सबसे सुंदर पिक्चरेस्क्यू आता है ना, सीनरी आती है, वो यहाँ आती है। मतलब जो फोटो खिंचवा सकते ऐसा लगता है फॉरन में हो कहीं, है ना। कैफे द टेवर्न, और इनके पास ऑफर चल रहा है एंजॉय 2+1 ऑन सेलेक्टेड ड्रिंक्स एंड बियर। तो यहाँ पे एक पब है द गैरिसन गैस्ट्रो पब, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बियर वगैरह सब कुछ मिलता है, आप कभी आए तो यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। बार मेन्यू ये है, इस तरह के प्राइस है, इंडियन चाइनीज वगैरह सब कुछ है भाई, सूप वगैरह वेजिटेरियन इंडियन सब कुछ, स्टार्टर वगैरह। काफी अच्छा कोजी एनवायरनमेंट है भाई। भाई ये इलेक्ट्रॉनिक हीटर देखो यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है, ओ नहीं है अभी, यहाँ से ऊपर का व्यू दिखा देता हूँ। वाओ क्या व्यू है, सुपर। सो गाइस बाहर दिखा देता हूँ आपको, ये बाहर है, लाइव म्यूजिक भी होता है यहाँ पे। तो भाई 8 से 11:30 बजे डेली लाइव म्यूजिक चलता है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, और यहाँ पे भी बैठने का है। ये पूरा बाहर है और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू, स्मोकिंग वगैरह भी कर सकते हैं यहाँ पे। अरे वाह, हुक्का वगैरह आप यहाँ पे आएंगे तो आपको हुक्का भी मिल जाएगा 1500 रुपये में, और फ्लेवर एक फ्लेवर चल जाता है 1 घंटा 45 मिनट, है ना। बाकी भाई मैंने आपको मेन्यू तो दिखाई दिया है यहाँ का, तो यहाँ का टूर मैंने आपको दे दिया है। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, आए तो आप अगर ड्रिंक करते हैं तो आप आ सकते हैं यहाँ पे, अच्छा टाइम पास हो जाएगा। अभी तो एक तरह से ऑफ सीजन ही चल रहा है, इक्का दुक्का टूरिस्ट आए हुए हैं। मसूरी में खाने के ऑप्शन काफी हो गए हैं भाई अभी। सो प्रीति भी कुछ शॉपिंग कर रही है अपनी मदर के लिए। इफ यू कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट बाय इट, तो भाई जैसे ही मैंने पहला बोर्ड पढ़ा तो भैया ने तुरंत दूसरा बोर्ड निकाला और कह रहे लो ये लीजिए, तो शॉपिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। चलो बढ़िया है। आप कहाँ से आते हो, मतलब डेली कहाँ रहते हो, रात को कहाँ सोते हो, देहरादून जाते हो या मसूरी में ही? लोकल ही हो, चलो बढ़िया है। मेरे ख्याल से आधे माल रोड पे जितने भी दुकानदार हैं आधे तो देहरादून से ही आते होंगे, है ना, दूर दूर से। हाँ वो बाहर रहते हैं, कुछ कुछ होते हैं दुक्का जो सेल्स वाले भी जो दुकान खोलते हैं देहरादून से आते हैं डेली, है ना। तो भाई जहाँ भी मैं वीडियो बनाता हूँ कम से कम भैया को सब्सक्राइब जरूर करवा देता हूँ, कम से कम दिन की वीडियो आ रही हो देख तो लें अपने आप को। पूरी माल रोड में सबसे ज़्यादा स्टीप यही रोड है भाई, इस पर तो हालत ख़राब हो जाती है चढ़ने में। एक अनोखी चीज़ दिखी है भाई, स्क्विड गेम का मास्क है, काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है। प्रीति को क्या मिल गया भाई, तो
भैया यहाँ पे समोसा बेच रहे हैं बाल्टी में, ₹15 का एक, फेमस है भाई ये इनको मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पे इतना आता हूँ, तो इन्होंने बताया ये फेमस है, ये पूरी मसूरी में सप्लाई करते हैं। तो आप यही मिलते हो पूरा दिन, ऐसे घूमते रहते हो? माल रोड पे मिलेंगे 4 बजे के बाद। 4 बजे के बाद माल रोड पे सिर्फ 1 घंटे के लिए, और बस 1 ही घंटा काम करते हो फालतू नहीं, और सब बिक जाता है? घर पे बनता है। चलो तो एक तो दो, एक तो खाना ऐसा बनता है, वैसे भूख नहीं है, पेट भरा हुआ है। ठीक है भाई, समोसा आ गया अपने हाथ में, चटनी भी स्पेशल। कुछ रिव्यू देना चाहेंगे समोसे के बारे में? भाई समोसा इनका घर का बना हुआ है, लग भी रहा है, और ज़्यादा मसाला नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है। भैया 1 घंटे के लिए आते हैं जैसे इन्होंने बताया, तो मैंने सोचा बाद में मिले ना मिले, तो मैंने अभी मौका पे चौका मार दिया। ज़्यादा नहीं खाऊंगा, कुछ छोड़ दूंगा मैं, बस इतना बहुत है। मोमो वाली चटनी है, पनीर भी है, आलू तो छोड़ दूँ पर पनीर नहीं छोड़ने का। पूरी माल रोड पर बस यहीं पर धूप आती है और हवा भी लगती है। चलो थोड़ी देर धूप में खड़े होते हैं, अच्छा सा लग रहा है, और व्यू भी पूरे देहरादून का यहीं से आता है। अभी ऐसे जाना है, ऐसे करके कार में पेट्रोल कम है तो पेट्रोल वहाँ पे डलवाएंगे, उसको क्रिंगरेज बोलते हैं, वहाँ पे मसूरी कॉलेज भी है और वहीं पे पेट्रोल पंप है, तो फिर ऐसे जाएंगे। ऐसे ये रास्ता दिख रहा है जंगल से, ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे, इसको बोलते हैं डस्टी प्लेन और इसको बोलते हैं ब्लू स्काई। अभी मैं लैंडोर की किताब पढ़ रहा हूँ ना, तो उसमें ऐसे ऐसे वर्ड आ रहे हैं, वो वॉक करते थे ना पुराने ज़माने में, उसमें बोलते थे मैं माल रोड पे बीच में, ब्लू स्काई ऊपर और डस्टी प्लेन्स नीचे। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलो आपको चिक चॉकलेट घुमाऊँ थोड़ा सा, मैं काफ़ी बार मसूरी आ चुका हूँ लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कम गया हूँ। इन्होंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, वेज सिजलर इन गार्लिक सॉस और क्रीमी पेपर सॉस, ये सब है। वुड फायर नेपल्स पिज्जा भी है। चलो कुछ बुक्स भी रखी हुई है यहाँ पे, मुझे तलाश है लैंडोर की बुक की और मसूरी की बुक की। मैं मैम से पूछ रहा था सबसे फेमस क्या, मैम ने कहा मेन्यू देखो मेन्यू। चलो इनका मेन्यू दिखा देता हूँ। कस्टमर ने अपने रिव्यू भी दिए हैं। मैंने देखा है आजकल रेस्टोरेंट में ही ट्रेंड चला ना, नैपकिन पे लिख के चिपका देते हैं, तो स्वाद साउथ इंडियन में भी इस तरह से लगा हुआ है। बाकी तो भाई चॉकलेट के लिए फेमस है, चॉकलेट ही चॉकलेट है यहाँ पे, शुगर फ्री भी है। कहाँ आज बारिश होनी थी, स्नोफॉल होना था, लेकिन कहाँ धूप निकली हुई है। अरे 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 अरे, दूध की और जलेबी की दुकानें आपको जगह जगह मिल जाएंगी। ये मार्केट भी काफ़ी प्यारा है, सरकार की तरफ से अलाव के लिए कितनी लकड़ी आ चुकी हैं, ये भी काफ़ी अच्छा मार्केट है। भाई इन दोनों डॉग्स को देख लिया उस बीगल डॉग ने, और देखो कैसे गुस्सा कर रहा है। ओह माय गॉड, इसने भी अटैक कर दिया, शायद ये डॉग बाहर से आए हैं। ओहो ओहो, एक उधर बैठा है। पिछली बार प्रीति ने यहाँ से शॉपिंग की थी कोजा से, सामने कलसंग और कैम्ब्रिज बुक डिपो, इस पर देखते हैं लैंडोर की कौन कौन सी किताबें, थोड़ा महंगी तो मिलती है यहाँ पे। रस्किन बॉन्ड जी का कुछ नोट है यहाँ पे, वॉज बॉर्न इन कसौली 1934, जामनगर देहरादून और दिल्ली शिमला में ये पढ़े हैं, इंग्लैंड में 4 साल रहे, रिटर्न 1995 में रिटर्न हुए, ये पढ़ लीजिए। चलो देखते हैं लैंडोर की कुछ किताबें मिलती है क्या। अच्छा एक लैंडोर की है, मसूरी एंड लैंडोर प्रिंट्स ऑफ द पास्ट, कॉर्बेट पेपर भी इनके पास, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है इस वाली को तो बाद में खरीदेंगे, ये भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है कुछ बुक तो मैंने खरीद ली है, अब चलते हैं वापस पिक्चर पैलेस की तरफ। चलो थोड़ा सा दूध पी लेते हैं, जलेबी खा लेते हैं। एग्जैक्ट 5 बज गए हैं और मौसम कितना क्लियर हो गया, यहाँ से क्लॉक टावर भी क्लियर दिखाई दे रहा है और लैंडोर भी। ये आ गए मिस्टर वेज। सो भाई हेलो भैया, मिल गए मिस्टर वेज। और कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया, स्नोफॉल हुआ ही नहीं। भैया इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे,
पर थोड़ा सा दिखा, कल बजरी वाला था, परसों हल्का था, दोनों दिन हुआ तो है पर वो नहीं बात बन पाई। आज भी मौसम खराब है, रात का थोड़ा बहुत हुआ तो। हाँ नहीं नहीं, अब तो घर जा रहा हूँ डायरेक्ट। ये फ्रेंड आई थी दिल्ली से, इसको बस वहीं से मिल जाएगी, सरदार रोड से और निकल जाएगी। ठीक है, ये मिस्टर वेज भैया थे, घर के सामने रहते हैं पैसिफिक में, यहाँ पे शॉप खोली हुई है, जब भी मैं यहाँ से जाता हूँ तो मिल जाते हैं। वापिस पिक्चर पैलेस, यहाँ पे माल रोड एंड हो रही है और यहीं पे बैरिकेडिंग है, कोई भी कार आती है तो एंट्री चार्ज लगता है और अलाव के लिए लकड़ी आ चुकी है। ठंड काफी है आज। वो तो गमला बर्बाद करने में लगा है एक बंदर उधर ऊपर। लिटिल लामा कैफे कभी नहीं गया, चलो चलते हैं लिटिल लामा कैफे से, देख लेते हैं क्या व्यू है, किस तरह का है। हेलो, तो भाई ये अप स्टेयर भी है, ऊपर ऊपर भी है ना, और यहाँ से भाई ये व्यू आ रहा है। ठीक है, प्यारा सा क्यूट क्यूट सा है, इनका मेन्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उत्तराखंड संस्कृति का एक पूरा ही वो बन चुकी आर्ट। अब हम जा रहे हैं लैंडोर की तरफ, ये छोटा सा कुरली मार्केट है जो कि लैंडोर की तरफ जा रहा है। हमने अपनी कार भी उधर पार्क करी थी, पार्किंग भी उधर ही। आप कभी इस तरफ आए तो वहीं कार पार्क करें। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और भाई बहुत ठंड होने वाली है, इसलिए सब अपना अलाव का इंतजाम कर रहे हैं। यहाँ पे भाई नर्सरी देखो, होटल के अंदर ही बनाई हुई है, पूरे में पेड़ पौधे ही पेड़ पौधे हैं। और वैसे ये होटल सिवा कॉन्टिनेंटल है, तो भाई बता रहे भाई ये नर्सरी नहीं है, ये होटल का ही पार्ट है, ये गार्डन है। यहाँ भी देखो पूरे में कितने पेड़ पौधे लगाए हुए, गमले गमले हैं। बैक टू पार्किंग, निकल जाएगी आगे पीछे करके, देखना पड़ेगा। हाँ निकल जाएगी। तो ठीक है भाई, वापस देहरादून जाने से पहले एक बार लास्ट टाइम मसूरी का व्यू देख लीजिए। उस तरफ उन पहाड़ों पर धूप पड़ रही है, इधर कम्प्लीटली सनसेट हो चुका है। ये लैंडोर का इलाका, टीवी टावर, घंटाघर एक साथ दिख रहे हैं। देखो हम कहाँ पे खड़े हैं, क्लॉक टावर के बिल्कुल सिर पे टीवी टावर है। वाओ। सो गाइस, हम दो दिन से उधर ही थे, दो रात से मतलब उधर ही रुके हुए थे। वो टीवी टावर दिख रहा है, टीवी टावर के बिल्कुल बराबर में, तो वो सबसे टॉप है और सबसे बेस्ट है। हल्के हल्के से बादल आने शुरू हो गए, हो सकता है रात को बूंदाबांदी आ जाए। कार भी पिक कर ली, देहरादून जा रहे थे, एक पॉपट हो गया वो ये कि जो मैंने बुक्स खरीदी थी वो जहाँ पे दूध पिया ना और वहीं पे रह गई, और अब वापस जाना पड़ रहा है। देखते हैं कार को एंट्री मिलेगी माल रोड पे या नहीं, कहाँ से एंट्री दे दे, नहीं एंट्री दी तो फिर पैदल पैदल जाना पड़ेगा, भाग भाग के जाना पड़ेगा, भाग भाग के आना पड़ेगा, तय जाने देगा या नहीं। तो ठीक है भाई, यहाँ से तो आ गया मैं माल रोड पे। वैसे तो मैं मिस्टर वेज वाले भैया को भी बोल सकता था, वो पैसिफिक गोल्फ में रहते हैं, पर उनका नंबर नहीं था मेरे पास, और भाई मुझे ये डर है कि कोई उठा ना ले जब तक किताब, जब तक मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करूँ वो मैसेज देखें। तो दोबारा से एक बार फिर माल रोड देख लो, अब शाम का समय, अब और भीड़ हो जाएगी, अब धीरे धीरे चलना पड़ेगा। तो भाई प्रीति को भेजा है, बुक लेने गई है अभी, कास लेके आ जाए और मिल जाए, पता चला नहीं मिला तो फिर पोपट 600-700 रुपए की आई थी, और भाई 5:31 हो रहे हैं, प्रीति की बस 6:45 की है, यानी कि सवा घंटे में हमें पहुँचना ही पहुँचना है सस्ताधारा रोड। थैंक गॉड मिल गया, वाओ मेरी फेवरेट बुक लैंडोर की। चलो एक काम करता हूँ, अब मैं यू टर्न नहीं मारूंगा, वापस पिक्चर पैलेस से नहीं जाऊंगा, लाइब्रेरी से जाऊंगा, जो पार्ट मैंने आपको दिखाया नहीं था माल रोड का वो अब देख लो। We'll be right back.
ठीक है दोस्तों, बाय बाय टू मसूरी। अब चलते हैं इस तरफ देहरादून की तरफ, ऊपर माल रोड है, ये देहरादून जा रहा है। अभी एग्जैक्ट 5:39 हो रहे हैं, टेम्परेचर 7 डिग्री, और प्रीति अभी भी असमंजस में है, लगी पड़ी है अब अपनी बस बुक करने में, है ना। हाँ लॉर्ड। सो गाइस बाहर लोगों से, और यहाँ से देखो मसूरी का क्या व्यू आ रहा है भाई। इलेक्ट्रिक बस तो यहाँ पे खड़ी है लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, तो प्रीति को बस पकड़नी पड़ेगी ISBT के लिए। तो पूछते हैं ये बस कब चलेगी, बस वाला कहाँ पर है, इनसे पूछ लेते हैं भैया से। चलो ठीक है, ओके ओके। 6:35 हो रहे हैं और प्रीति को इस बस में बैठा दिया है, ये ISBT पहुँच जाएगी 45 मिनट में, फिर उसको 8 बजे के लिए बस मिल जाएगी। राजपुर से, जाखन से होते हुए घंटाघर रेलवे स्टेशन, बस हमारे घर के पास से भी मिल जाती प्रीति को, स्लीपर ही मिल जाती। लक्ष्मी हॉलीडेज और जिंग बस बहुत चलती हैं यहाँ से, बिल्कुल ट्रिकलिंग मोनेस्ट्री के पास से, लेकिन वो सारी बसें रात को 10 बजे से स्टार्ट होती हैं, 9:30-10, जब तक तो वो पता नहीं कहाँ हरिद्वार भी पहुँच जाएगी। ठीक है, आज 13 जनवरी है और अब मैं फ्री हो चुका हूँ भाई सब कामों से, अब चलते हैं गांव में, शायद कल निकलते हैं गांव में या परसों। सो बैक टू होम, और भाई माइलो, और यहाँ से मसूरी थोड़ा बहुत दिख रहा, माइलो। गुस्सा तो नहीं है, मैं इससे मिल रहा हूँ 3-4 दिन बाद, देखो अब कैसे कर रहा है, क्या आ रहा है सब, क्यों देख रहा हूँ उधर, आ गया। अच्छा। हाँ, क्या चाहिए बस, इतना प्यार है इसका। बैक टू होम, और देखते हैं आज क्या बना है, दाल। उफ, फाइनली काफी दिनों बाद अपने बेड पे, बहुत अच्छा लग रहा है।